नमस्कार, हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंग बली जी की कृपा सदैव बनी रहे। जिस प्रकार मंत्र जाप या नाम जप करने का फल अति महत्वपूर्ण होता है, उसी प्रकार से मंत्र का जाप किस स्थान पर किया जा रहा है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि अगर नदी तालाब या नहर में कोई मंत्र जाप करता है तो उसका फल आपको 10 गुना मिलता है। उसी प्रकार पहाड़ों में अगर मंत्र जाप किया जा रहा है तो उसका 100 गुना फल मिलता है। किसी मंदिर या देवालय में किया गया मंत्र जाप उसका 1000 गुना फल आपको प्राप्त होता है। और उसी प्रकार से किसी विशेष दिन में या विशेष तिथि में, जैसे पूर्णिमा, अमावस्या, चौदस या किसी जयंती या होली या दीपावली पर अगर कोई मंत्र जाप करता है तो उसका भी बहुत विशेष फल आपको प्राप्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त में ऐसे कोई विशेष समय का, विशेष तिथि का होना जरूरी नहीं होता। दीपावली या पूर्णिमा हो या चौदस हो, ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है वो 3 बजे से 5 बजे के बीच का समय होता है और इस समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। अधिकतर लोगों को ब्रह्म मुहूर्त के समय के बारे में पता नहीं होता, तो वो जान लें कि ये 3 से 5 बजे के बीच का जो समय होता है इसी को ब्रह्म मुहूर्त का समय कहा गया है। इसको देवी देवताओं के अनुसार ही ब्रह्म मुहूर्त का समय इस समय 3 से 5 के बीच के समय को माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त के विषय में लोगों को जानकारी नहीं होती है कि ये क्यों महत्वपूर्ण होता है। लोग आलस कर जाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठने में या फिर उठ करके पूजा पाठ करने में, ईश्वर का ध्यान करने में। परंतु जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, जो अपनी पूजा पाठ साधना ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं, उन्हें अपने देवता के दर्शन भी प्राप्त होते हैं। मैं आपको बता दूं कि ब्रह्म मुहूर्त में जो भी सपना आप देखते हैं, जो भी सपना आपको दिखाई देता है वो हमेशा सच होता है। आपको किसी देवी या देवता के दर्शन हो रहे हों, आपको कोई देवी देवता कुछ प्रदान कर रहे हैं अगर ब्रह्म मुहूर्त में, तो वो सच होता है। वो घटना निकट भविष्य में आने वाला समय होता है जो कि सत्य होने वाला होता है। तो इसको कभी भी आपको ऐसे नहीं लेना है कि ये तो सिर्फ एक सपना था या एक स्वप्न मात्र नहीं है। ये आपका जो भविष्य है, भविष्य में घटना घटने वाली है और वो आपको दिखाई दे रही है, वो उसका संकेत आपको ईश्वर प्रदान कर रहे हैं। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी यही बात कहते हैं कि सुबह का सपना हमेशा सच होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में दैवीय शक्तियां धरती पर आगमन करती हैं। जितने भी आपने देखा होगा मंदिर होते हैं, उन सभी मंदिरों के जो पट होते हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाते हैं और वहाँ दैवीय शक्तियाँ विराजमान होती हैं। पूजा पाठ शुरू हो जाती है और वहाँ पर की गई पूजा का जो फल भी होता है वो आपको बहुत जल्दी प्राप्त होता है। तभी तो हमें कोई विशेष पूजा करनी होती है तो हम मंदिर में जाकर करते हैं, और दैवीय शक्तियाँ मंदिरों में की गए पूजा पाठ से बहुत जल्दी जागृत होती हैं। हवन या मंत्र जाप भी अगर ब्रह्म मुहूर्त में किया जाए तो उसका फल भी आपको अनंत मिलता है, क्योंकि शक्तियाँ जो हैं, ब्रह्मांड में जो शक्तियाँ हैं, जो ऊर्जा है, वो ब्रह्म मुहूर्त में बरसती होती हैं धरती पर। वो आपके ब्रह्म मुहूर्त में बरसनी शुरू हो जाती हैं और उसी ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए जो साधक होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा पाठ ध्यान करते हैं। जब आप पूजा पाठ जाप करना शुरू करते हैं तो आपकी ऊर्जा ब्रह्मांड की ऊर्जा से मिल जाती है और जो देवता होते हैं, जिस देवता की आप आराधना कर रहे होते हैं, वो अपने लोक में विराजमान होते हैं और उन तक आपकी बात, आपकी प्रार्थना पहुँच जाती है और उनकी शक्तियाँ आपकी ओर खींची चली आती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में बहुत ही कम लोग पूजा पाठ कर पाते हैं। इसका कारण ये है कि लोगों को आलस आ जाता है, उन्हें जानकारी नहीं होती, महत्व नहीं मालूम होता ब्रह्म मुहूर्त का। लोगों का मन ही नहीं करता कि वो उठें और उठ करके ईश्वर का ध्यान करें, मन पर उनका नियंत्रण ही नहीं रहता। तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है उसको अमृत बेला भी कहा जाता है। अमृत बेला दोनों तरीके से कहा गया है। अमृत इसलिए क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जो वायु बहती है वो बिल्कुल शुद्ध होती है और वो वायु आपके शरीर में यानी आपके प्राण में जाकर उसे शुद्धि प्रदान करती है। तो इसलिए अमृत बेला कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त को। और साथ ही अमृत बेला इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इस समय जो ऊर्जा होती है, ब्रह्मांड की जो ऊर्जा होती है, ईश्वर की जो ऊर्जा होती है, वो भी आपके आत्मा में जाकर आपकी आत्मिक ऊर्जा को शुद्ध करती है, ताकि उससे आप तेजस्वी बने, आपका जो ऑरा है वो और ज़्यादा मजबूत बन सके। मैं आपको बता दूं, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, आप देखेंगे जिनकी आँखें ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप खुल जाती हैं, उनका जो ऑरा होता है, जो संतों का जो ऑरा होता है, बिल्कुल एक समान होता है। वो लोग बहुत ही तेजस्वी होते हैं और उनका ऑरा अपने आप ही तेजस्वी बनता चला जाता है।
जो लोग गलत कार्य करते हैं, जैसे जिन जो अपने शरीर की ऊर्जा को व्यर्थ करते हैं, जो लोग पूजा पाठ नहीं करते, नास्तिक होते हैं और गलत कार्यों में शामिल होते हैं, अपने शरीर का नाश करते हैं, तो उनका ऑरा आप मिलाकर देख लीजिए, उनके शरीर का कोई ऑरा होता ही नहीं, वो बिल्कुल समाप्त हो चुका होता है। उन लोगों के शरीर में बाधाएं सबसे ज़्यादा होती हैं, उन लोगों के शरीर में कष्ट सबसे ज़्यादा होते हैं। जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उनका जो ऑरा होता है वो धीरे धीरे विकसित होना शुरू हो जाता है। उनके ऊपर जो भी नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव होता है, भूत प्रेत बाधा होती है, वो सब अपने आप ही समाप्त होने शुरू हो जाती हैं। तो जो ब्रह्म मुहूर्त, जो अमृत बेला का जो समय होता है, इस अमृत बेला में अगर आप उठ करके आप पूजा पाठ ना भी करें, आप मात्र उठ जाएं, तो उठने के कारण भी, केवल उठने मात्र से ही ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है वो आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाती है, जो आपके ऑरा को धीरे धीरे विकसित करना शुरू कर देती है। तो ब्रह्म मुहूर्त में की गई पूजा से आपको कितना फल प्राप्त हो सकता है, ये आप खुद समझ जाइए। तो जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पूजा करते हैं, उनका जो ऑरा होता है वो इतना मजबूत हो जाता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। उसमें कोई भी नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होता, प्रवेश कर ही नहीं पाती। साथ ही वो धीरे 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 जैसे जैसे उनकी शक्तियाँ, उनका ऑरा विकसित होता है, वैसे वैसे वो ब्रह्मांड में जो ऑरा है उससे जुड़ना शुरू हो जाते हैं, और ईश्वर से और ईश्वर की शक्तियों से वो लोग जुड़ना शुरू हो जाते हैं। फिर ईश्वर के दर्शन भी उन्हें प्राप्त होते हैं। अधिकतर जो लोगों को देवी देवताओं के, अपने इष्ट के दर्शन होते हैं, वो ब्रह्म मुहूर्त में ही होते हैं और स्वप्न के ही माध्यम से होते हैं। आप किसी से भी पूछ के देख लीजिएगा। तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में पूजा ज़रूर करें और ब्रह्म मुहूर्त में उठना आप अभी से ही शुरू कर दें, ताकि आपके ब्रह्म मुहूर्त में उठने से आपकी बहुत सारी जो परेशानियां हैं वो वैसे ही समाप्त होने लग जाती हैं, आपको बहुत सारी अपनी समस्याओं का मार्गदर्शन मिलना शुरू हो जाता है। शारीरिक रूप से तो आप मजबूत बनते ही हैं, शारीरिक रूप से आप शुद्ध तो होते ही हैं, आपकी आत्मा, आप आत्मीय रूप से भी आप शुद्ध होने लगते हैं। आपके अंदर नकारात्मक शक्तियाँ जो होती हैं वो आपके शरीर में प्रवेश कर ही नहीं पाती, जो होती हैं वो भी धीरे धीरे आपको छोड़कर जाने लगती हैं। आपके पूजा पाठ से, आप जो भी पूजा पाठ आप करते हैं, जिनका भी आप ध्यान करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो उस देवी देवता तक आपकी बात पहुंचने लगती है, आपकी पूजा पाठ पहुंचने लगती है, ब्रह्मांड की ऊर्जा से आप जुड़ना शुरू हो जाते हैं, ईश्वर की शक्तियों से, उनके संकेतों से आप जुड़ना शुरू हो जाते हैं, आपका जो ऑरा होता है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है, और आपको आपके देवी देवताओं की, जिसकी भी आप पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, उनके दर्शन प्राप्त होते हैं। मैं आशा करती हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त के विषय में बताई गई आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा की।